भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की रोमांचक जीत के बाद बदल चुका है वुमेन T20 वर्ल्ड कप का पूरा पॉइंट्स टेबल। इस हार से भारतीय टीम को पॉइंट्स टेबल में लगा है बहुत बड़ा झटका। तो क्या है वुमेन T20 वर्ल्ड कप के दोनों ग्रुपों का पॉइंट्स टेबल, बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय वुमेन्स टीम इस बार का वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज वुमेन T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और भारत के बीच चौथा मुकाबला खेला गया, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ रहती है। दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप होती है, जिसके बाद भारतीय टीम बुरी तरह से इस मुकाबले में लड़खड़ाती हुई नजर आई और उसके बाद अंत में कप्तान एस डिवाइन भी शानदार अर्धशतक ठोकती है और 36 गेंदों पर ताबड़तोड़ 57 रनों की पारी खेलती है, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहती है। और न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 160 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां ओपनर बल्लेबाज बैट्स ने 27, प्लीमर ने 34, वहीं अमीला केर ने 13, कप्तान एस डिवाइन ने 57, वहीं हेलीडे ने 16 और मैडी ग्रीन ने 5 रन बनाए। और भारत की तरफ से रेणुका सिंह ने 2 और अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना ने 1-1 विकेट चटकाया। जवाब में 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा का बल्ला बिल्कुल नहीं चला, शेफाली वर्मा 2 तो स्मृति मंदाना 12 और उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 15 रन पर आउट हो गई और उसके बाद जमीमा रोड्रिक्स 13, ऋचा घोष 12 और दीप्ति शर्मा 13 रन पर आउट हो गए। भारत के 87 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। 32 गेंदों पर अभी भी भारत को 73 रन चाहिए थे, जो बनना भारतीय टीम के लिए फिलहाल बेहद ही मुश्किल था। और भारत इस मुकाबले में हार जाता है और न्यूजीलैंड की इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में हो चुका है बड़ा उलटफेर। तो चलिए नजर डालते हैं न्यूजीलैंड की जीत के बाद वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 के दोनों ग्रुपों के पॉइंट्स टेबल पर। वहीं दोस्तों ग्रुप ए में नंबर 1 पर न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, जो अपना पहला मुकाबला आज भारत से जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक जीत कर चुकी है। और उसके बाद नंबर 2 पर पाकिस्तान की टीम है, जो अपना पहला मुकाबला खेली और उस मुकाबले में जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में 2 अंक जीत कर चुकी है। और उसके बाद नंबर 4 पर श्रीलंका की टीम है, जो अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान से हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में भी खाता नहीं खुला। वहीं नंबर 5 पर ग्रुप ए में भारतीय टीम चली गई है, जो अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक हैं। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप ए से अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेली है, तो ऐसे में अभी वो तीसरे नंबर पर बनी हुई है। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में नंबर 1 पर बांग्लादेश की टीम है, जो अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल में कुल 2 अंक जीत कर चुकी है। वहीं नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका की टीम है, साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज की टीम को अपने पहले मुकाबले में हराकर पॉइंट्स टेबल में 2 अंक जीत कर लिए हैं। वहीं नंबर 3 पर इंग्लैंड है, जो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेली है। और उसके बाद नंबर 4 पर वेस्ट इंडीज की टीम है, जो अपना एक मुकाबला खेली और उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। वहीं नंबर 5 पर स्कॉटलैंड की टीम है, जो एक मुकाबला खेली और उस मुकाबले में बांग्लादेश से हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। तो दोस्तों ये था वर्ल्ड कप 2024 के दोनों ग्रुपों के पॉइंट्स टेबल का पूरा डाटा। तो दोस्तों इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब